यादव साहब, एक बच्ची का मर्डर हुआ है, 8 साल की बच्ची का, क्या है ये पूरा मामला? ये सेंट्रल जोन एरिया की घटना है। कल करीब शाम 6 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी। एक परिवार रहता है वहाँ पे, उनकी बच्ची मिसिंग थी, तो उस बच्ची की तलाश कर रहे थे। तो तलाश के दौरान ही उनको किसी पड़ोसी ने बताया कि आपकी बच्ची के मतलब इंडिकेट दिया कि उसके घर के आसपास देखी गई है। रात ही उसके घर गए 9:30 बजे के आसपास, तो उसके घर पे गए तो वहाँ पे मतलब बाद में पता लगता है कि आरोपी है वो, वहाँ उनको देख के फरार हो गया। और वहाँ पे लड़की दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने उनके घर में कुछ खून के धब्बे थक्के दिखाई दिए, तो उनको डाउट हुआ, लड़की को ढूंढा, नहीं मिली। बेड है, बेड का बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक लोहे का बक्सा था, तो उसको वहाँ देखा तो वहाँ खून लगा हुआ था। बक्से को खोला तो उसमें लड़की उसमें बक्से में बंद कर रखी थी। तो लड़की को निकाला तुरंत। किस हालत में थी बच्ची? लड़की बेहोशी की हालत में थी, और उसमें उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर तुरंत ERB आई और SHO Sector 37 अपने पहुँचा वहाँ पर अपनी टीम के साथ। बच्ची को तुरंत पुलिस बीकी हॉस्पिटल लेके गई परिजनों के साथ, और वहाँ हॉस्पिटल में बच्ची को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया और डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया गया, क्योंकि बच्ची की आरोपी ने दोनों हाथों की नसें काट दी थी चाकू से। बच्ची की वजह क्या रही? वो उसे बच्ची के साथ वो बदनीति के साथ वहाँ लेके गया था, और वो बदनीति कर शायद नहीं कर पाया होगा, बच्ची चिल्लाई होगी तो उसके बच्चे के हाथ काट दिए। तो मतलब हाथ का मतलब है नसें काट दी, तो वो बच्ची उसी काटने से बेहोश हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया, इसी का फायदा उठा के। बाद में बच्ची की डेथ, बच्ची को सफदरजंग लेके गए SHO विनीत, और अब उनकी टीम रात भर वहीं सफदरजंग हॉस्पिटल रहे, और दौरान ट्रीटमेंट भी की वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में। बच्ची की आज अभी दिन में डेथ हो गई है। उसके बाद आरोपी को भी उधर हमारी जो DCP क्राइम है और DCP सेंट्रल पूजा वशिष्ठ हैं, उन्होंने अपनी टीमें लगा रखी थी। आरोपी को मात्र 10 घंटे के अंदर अंदर काबू कर लिया गया है। आरोपी पीछे से कोलकाता का है, शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, और यहाँ पे अपने भाई के साथ रहता था और DLF एरिया में किसी फैक्ट्री में काम करता था। जो नस काटने वाली बात है, ये किस चीज़ से काटी है? ये नसें उसने चाकू से काटी हैं, जो प्रारंभिक पूछताछ में काबू करने के बाद जो पूछताछ की गई उसमें ये आया है। तो बच्ची को शांत करने के लिए अगर चिल्लाए ना तो उसे नस काट। थैंक यू।